मैं महसूस कर रहा हूँ कि गोलगप्पे का क्रंच बिल्कुल बरकरार है और बहुत ही। आप कब से दुकान रख रहे हैं यहाँ पे दशरथ महल के पास? कम से कम 6 महीने। 6 महीने से। कौन सा वाला था ये? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं हूं अयोध्या में और रामलला के दर्शन करने आया हूं और ये है दशरथ का महल। तो हम लोग यहां पे भी आए हैं और यहां पे गोलगप्पे की एक दुकान पे हम लोग रुके हुए हैं खाने के लिए, क्योंकि भैया जी यहां मुझे बहुत साफ़ सुथरे दिखे और गोलगप्पे की दुकान भी। हालांकि यहां हर तरफ निर्माण कार्य हो रहा है तो गंदगी हर तरफ पसरी हुई है, लेकिन फिर भी ये दुकान मुझे रेस्पेक्टिवली साफ़ सुथरी दिखी तो मैं यहाँ पर आ गया। और जब भी मैं अयोध्या आता हूँ तो यहाँ पे गोलगप्पा खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ का गोलगप्पा फ्लेवर्ड होता है। मतलब ये तो उसकी पूरी है और यहाँ पे फ्लेवर्स रखे हुए हैं, मतलब कई स्वाद के फ्लेवर रखे हुए हैं। यहाँ पे पानी जो होती है कई तरह की होती है। तो ये भैया हैं जिनकी दुकान है, इनसे पूछते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? गौरी शंकर जी, इनकी ये दुकान है। और यहाँ पे अयोध्या में ऐसे ही मिलता है क्या फ्लेवर्ड? मतलब कई सारा फ्लेवर रहता है ना पानी में। अच्छा, तो आप कब से दुकान रख रहे हैं यहाँ पे दशरथ महल के पास? कम से कम 6 महीने। 6 महीने से। हाँ, ये दिखा देंगे आप एक बार पानी? देखिए यहाँ पे 4 तरह के डिब्बे रखे हुए हैं और सब में अलग अलग फ्लेवर है। कौन सा फ्लेवर है ये हरा वाला? ये इमली फ्लेवर है, पुदीना, ये जंजीरा, ये हींग है। ये वाला इमली है, ये पुदीना, ये जलजीरा और ये हींग। तो और आप उसको अंदर भरने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मटर। अच्छा, यहाँ पे मटर रखी हुई है उबाली हुई। प्याज भी डालते हैं क्या? प्याज लहसुन। प्याज लहसुन यहाँ पे नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? कोई खाता नहीं, आते कस्टमर भाग जाते हैं प्याज लहसुन देख के। तो यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं पड़ता, शायद ये वैष्णो शहर है, भगवान राम की भूमि है, तो शायद इसीलिए यहाँ प्याज लहसुन नहीं अवॉइड करते होंगे लोग। और अभी हम लोग चल के खाते हैं, देखते हैं कि ये फ्लेवर्ड गोलगप्पा कैसे होता है। मैं तो पहले भी खा चुका हूँ, तो भाई चल रहे हो खाने? तैयार हो? कौन सा वाला था ये? चंदन, कौन सा वाला था ये? इमली। मेरे पास भी आ गया है और अभी चल के खा के देखते हैं कैसा है। ये कौन सी जगह है यहाँ सामने? इसमें दशरथ जी के मंत्री जी महंत। अच्छा, यहाँ पे दशरथ जी के महंत जो उनके कुलगुरु वगैरह होते थे यहाँ पे रहते थे। हम यहाँ खाए जा रहे हैं। मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि गोलगप्पे का क्रंच बिल्कुल बरकरार है और बहुत ही क्रंची गोलगप्पा है और इसका फ्लेवर तो बहुत मज़ेदार है। हमने गोलगप्पा अभी खा लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम गोलगप्पा खा के यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपको हमारा काम, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और देखते रहिए जस्ट एवरीथिंग।